बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज करेंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने क्या है अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रखी है और सेकंड यूनिट का आज हमारा लेक्चर नंबर है 24। लेक्चर नंबर 24 के अंदर स्टूडेंट हम अपना टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं कि जो सामाजिक अध्ययन शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री। स्टूडेंट जैसे आप सभी को ही पता है जो श्रव्य दृश्य सामग्री है मीन्स ये क्या होता है, जिसे सुना भी जा सके और देखा भी जा सके। अगर हम बात करें जो श्रव्य दृश्य सामग्री का अर्थ है कि जो एक अध्यापक है, पहले मैं आपको अर्थ क्लियर करती हूँ कि एक अध्यापक इसका प्रयोग अपने शिक्षण के अंदर करता है, किसको सिखाने के लिए, स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए और विद्यार्थियों को सिखाने के लिए। अब हम बात करते हैं कि जो शिक्षा के द्वारा ही सभी विद्यार्थियों का विकास संभव है, अगर जो शिक्षा बच्चों तक सही ढंग से नहीं पहुंचाई जाएगी तो जो विकास है बच्चों का वो किस प्रकार हो पाएगा, और ना ही एक टीचर अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकता है। अक्सर हमें देखने में आया है, हमारे सामने हमें पता लगा है कि हम जब एक शिक्षक विद्यार्थियों को कक्षा के अंदर शिक्षण देता है, अपनी टीचिंग करवाता है, तो विद्यार्थी हमें मोस्टली तौर पे मानसिक रूप से बैठे हुए नहीं मिलते, शारीरिक रूप से बैठे हुए मिलते हैं। तो जब तक वो मानसिक रूप से पूरी तरह से प्रिपेयर होकर किसी भी चीज को सीखेंगे नहीं, तो वो जो उनके लिए जो सिखाया जा रहा है वो क्या है, एक कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। क्योंकि जो आज हमें देखने में हमारे देश के अंदर आया कि हमारी जो पीढ़ी पढ़ लिख गई है, लेकिन वो पढ़ लिखने के बावजूद भी हमें कहीं ना कहीं वो अशिक्षित ही नजर आ रही है। जब तक वो कोई भी अध्यापक के द्वारा सिखाई हुई टीचिंग है, शिक्षण है, जब तक वो ज्ञानेंद्रियों द्वारा उसे प्राप्त नहीं करेंगे तो क्या है, वो अच्छा सीख नहीं पाएंगे, अच्छी जो शिक्षा नहीं ले पाएंगे। यह बिल्कुल सही है कि एक अध्यापक के द्वारा यह अनुमान लगाना संभव है कि जो कक्षा के अंदर इतने विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी शारीरिक रूप से तो उपस्थित हैं लेकिन मानसिक रूप से उपस्थित हैं या नहीं, ये एक टीचर के लिए क्या है, बहुत मुश्किल है। लेकिन एक टीचर अगर ऐसा तो नहीं कर सकता, लेकिन अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए दृश्य सर्वे जो सामग्री है, एड्स हैं, इनका प्रयोग जरूर कर सकता है। क्योंकि इनके प्रयोग के द्वारा जो भी एक अध्यापक अपने बच्चों को टीचिंग दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, शिक्षण दे रहा है, तो वो इससे क्या है, अधिक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकता है और बच्चों को अभिप्रेरित भी कर सकता है। तो स्टूडेंट बात करते हैं कि जो शिक्षा है, शिक्षा सर्वे दृश्य सामग्री का जितना एक शिक्षक टीचिंग के अंदर, शिक्षण के अंदर ज्यादा इनका प्रयोग करेगा तो शिक्षा क्या है उतनी ही प्रभावशाली बनेगी और छात्रों की क्या है उसके अंदर रुचि और अभिप्रेरणा भी बनेगी। तो जो श्रव्य दृश्य सामग्री के द्वारा एक शिक्षक इन एड्स के द्वारा अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है, साथ ही साथ उन्हें क्या है, मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है। क्योंकि टीचिंग एड्स के द्वारा जो भी बच्चों को समझाया जा रहा है वो क्या है, बच्चे लॉन्ग टाइम तक याद रखते हैं और ये दिया गया ज्ञान उन्हें क्या है, लॉन्ग टाइम तक याद रहता है और स्थायी याद रहता है। अगर बच्चा टीचिंग एड्स, जो एक अध्यापक है, अध्यापक टीचिंग एड्स का सहारा नहीं ले रहा, वो क्या है सिर्फ लेक्चर मेथड के द्वारा, व्याख्यान विधि के द्वारा, भाषण के द्वारा उन्हें पढ़ा रहा है, तो सिर्फ बच्चे इसे क्या है रटने पर ही आ जाते हैं और ये ज्ञान लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहता, ना ही क्या है ये स्थायी होता है, बल्कि ये क्या है अस्थायी होता है। तो एक टीचर को अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अब स्टूडेंट मैं आपको एक डेफिनेशन देती हूँ, वो डेफिनेशन किसके अनुसार है, डेंट के अनुसार है। डेंट के अनुसार, डेंट के अनुसार जो परिभाषा स्टूडेंट मैं आपको देती हूँ, डेंट ने क्या कहा है, जो श्रव्य दृश्य सामग्री है वो क्या है, जो लिखित और मौखिक सामग्री है स्टूडेंट, उसको समझने में सहायता करती है। डेंट ने क्या कहा है, श्रव्य दृश्य सामग्री से अभिप्राय है लिखित और मौखिक, या लिखित और मौखिक बोलेगी सामग्री के द्वारा जो भी पाठ्य सामग्री है उसको क्या है समझने के अंदर सहायता करती है। तो स्टूडेंट अब मैं आपको बताती हूँ जो श्रव्य दृश्य सामग्री का महत्व है
इसका आप यूज प्रयोग मानकर चलिए, ये शिक्षण के क्षेत्र में कितना प्रभावशाली है, इस चीज को क्या है हम डिफाइन करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो स्टूडेंट पहले बात बताती हूँ मैं आपको, श्रव्य दृश्य सामग्री का महत्व। एक जो एक अध्यापक है, एक अध्यापक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए बच्चों के सामने क्या है, विभिन्न प्रकार के चार्ट, ग्लोब, मानचित्र, पोस्टर, किसी भी टाइप की समय रेखा आप मान के चलिए, प्रारूप मशीनें लाकर बच्चों को इसके द्वारा शिक्षण दे सकता है। क्योंकि जिस प्रकार एक मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार जो ये सब चीजें हैं सामाजिक अध्ययन के अंदर, इनका विशेष महत्व है। और इनके द्वारा अगर एक अध्यापक शिक्षण करता है, टीचिंग करता है, तो अधिक प्रभावशाली बनते हैं और इसके द्वारा सीखा गया ज्ञान स्थायी होता है, जो बच्चों को क्या है लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। तो स्टूडेंट इसके अंदर जो मैं फर्स्ट आपको पॉइंट क्लियर करने जा रही हूँ, वो फर्स्ट पॉइंट है विषय वस्तु की स्वस्थता के लिए, विषय वस्तु की स्पष्टता के लिए। तो स्टूडेंट हमारा फर्स्ट पॉइंट है जो भी विषय वस्तु की स्पष्टता के लिए, अगर एक अध्यापक सीधा लेक्चर मेथड के द्वारा, व्याख्यान विधि के द्वारा, बिना जो टीचिंग एड्स है, बिना प्रयोग किए इसका पढ़ाता है, तो बच्चे इसके अंदर ज्यादा रुचि नहीं ले पाते और ना ही एक जो टीचर है अपने लेक्चर को अधिक अट्रैक्टिव बना पाता है। अगर जो विषय वस्तु को अधिक स्पष्ट करना है बच्चे ताकि इसके अंदर रुचि ले, तो इससे संबंधित जो भी टीचर का टॉपिक है, जो भी एक टीचर अपना लेक्चर डिलीवर करने जा रहा है कक्षा के अंदर, तो इसके अंदर अगर श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करता है तो इससे जो विषय वस्तु है वो भी अधिक क्लियर होता है और बच्चों को आसानी से समझ भी आता है और बच्चा इसे क्या है बहुत अच्छे से क्लियर करता है, बहुत अच्छे से समझता है। सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट हमारा आता है कि शिक्षण के सूत्रों पर आधारित, शिक्षण के सूत्रों पर आधारित। क्योंकि स्टूडेंट जो श्रव्य दृश्य सामग्री है, अगर एक अध्यापक चाहे तो जो शिक्षण के अंदर अलग अलग विधियों का प्रयोग करके, मेथड्स का, सूत्रों के द्वारा जो अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकता है, जैसे स्टूडेंट बात आती है मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर सरल से जटिल की ओर ले जाकर, ज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाकर, मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाकर, क्रिया द्वारा सीखना आदि मेथड इसके अंदर एक अध्यापक क्या है अपना सकता है। थर्ड पॉइंट आता है विषय वस्तु को रुचिकर बनाने में सहायक, विषय वस्तु को रुचिकर बनाने में सहायक। स्टूडेंट अब बात आती है जो भी विषय वस्तु है, जो भी एक टीचर अपना लेक्चर दे रहा है कोई भी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, तो अगर वो उसी टीचिंग के अंदर श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग करता है तो वो अपने जो विषय वस्तु है विषय वस्तु को अधिक अट्रैक्टिव भी बनाता है और बच्चे क्या है इसके अंदर रुचि लेकर सीखने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर वो श्रव्य दृश्य जो टीचिंग एड्स हैं इनका प्रयोग नहीं करता तो बच्चे क्या है टीचर का लेक्चर लगवाने से डरते हैं, वो दूर भागते हैं, उन्हें पता होता है कि रटे रटाए पर ही हमें चलना है। तो अगर ऐसे बीच बीच के अंदर टीचिंग एड्स यूज करता है तो बच्चे का इंटरेस्ट दुगना होता है और बच्चे मजे के साथ करते हैं और बच्चे क्या है अच्छा समझकर करते हैं। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट प्रेरणा का स्रोत, फोर्थ पॉइंट है हमारा प्रेरणा का स्रोत। क्योंकि जो विषय सामग्री है, बात आ रही है टीचिंग एड्स की है बात आ रही है, तो स्टूडेंट एक जो अध्यापक है अध्यापक इन अपने शिक्षण के अंदर जब दृश्य सामग्री श्रव्य सामग्री का प्रयोग करता है तो ये प्रेरणा के साधन बनते हैं। और ऐसा माना जाता है कि प्रेरणा के माध्यम से ही एक अध्यापक किसी भी छात्र की योग्यता को विकसित कर सकता है और श्रव्य दृश्य साधनों के द्वारा अध्यापक अपनी विषय वस्तु को
शास्त्रों के द्वारा उन्हें क्या है, प्रेरित कर सकता है। अगला पॉइंट आता है विज्ञान विधि को कम करना। विज्ञान विधि को कम करना। स्टूडेंट बात आती है कि जो विज्ञान विधि है, मींस आप मान के चलिए कि जो लेक्चर मेथड है, लेक्चर मेथड को विज्ञान जो टीचिंग एड्स है आप मान के चलिए उसके द्वारा, स्टूडेंट यहाँ पे है विज्ञान विधि, क्योंकि पहले एक टीचर है, टीचर लेक्चर मेथड अपनाता है, सिर्फ उसे पढ़ाता है। अगर इस विधि को कम करना है, किसके द्वारा कम करना है, वो टीचिंग एड्स के द्वारा, अलग अलग अपने टॉपिक से रिगार्डिंग बीच बीच के अंदर स्टूडेंट टीचिंग एड्स का सहारा लेते हुए वो अपने व्याख्यान को कम कर सकता है और जो भी बच्चों को पढ़ा रहा है बच्चे का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करके उसे और भी अट्रैक्टिव बना सकता है। इससे जो भी बच्चे को सिखाएंगे बच्चे एक तो इंटरेस्ट के साथ सीखेंगे और दूसरा जो भी सिखाया गया है बच्चे उसे अच्छे से एक्सप्लेन दूसरों के सामने भी करके बताएंगे। और अगर एक अध्यापक भी अपने विषय वस्तु को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, अपने लेक्चर को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है बिना ज़्यादा बोले, वो किसकी सहायता से होता है, वो क्या है, श्रव्य दृश्य साधनों की टीचिंग एड्स की सहायता से ही होता है स्टूडेंट। अब बात आती है कि स्थायी ज्ञान में वृद्धि। स्थायी ज्ञान में वृद्धि, स्टूडेंट अगर एक अध्यापक टीचिंग एड्स की सहायता से अगर शिक्षण करवा रहा है तो इससे स्टूडेंट क्या होता है, जो भी अध्यापक बच्चों को कुछ भी सिखा रहा है तो इससे जो भी सिखाया गया ज्ञान है वो स्थायी होता है। और परंतु समय आने पर वो बात आती है स्टूडेंट की, समय आने पर वह प्रदान करने के बावजूद भी उस विषय वस्तु का ज्ञान नहीं दे पाता, क्योंकि वो ज्ञान क्या है, अस्थायी होता है। अगर वो उसी ज्ञान को टीचिंग एड्स के द्वारा अलग अलग शब्द कोश उसके अंदर यूज करके बच्चों को समझाता है तो वो ज्ञान क्या है, स्थायी बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर टीचिंग एड्स का सहारा ले रहा है, श्रव्य दृश्य सामग्री का सहारा ले रहा है। इससे बच्चे को याद रहता है कि हाँ मेरे टीचर ने इसके द्वारा ये चीजों का एग्जाम्पल दिए थे, इस जो लेक्चर को इस प्रकार समझाया था, तो इस प्रकार उनके जो क्या है ज्ञान स्थायी बन जाता है, जो लॉन्ग टाइम तक उन्हें याद रहता है और वो कभी ना भूलने वाला ज्ञान होता है। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट, जैसे जो धीमी गति वाले विद्यार्थी होते हैं उनके लिए भी ये क्या है, प्रभावशाली है। धीमी गति वाले विद्यार्थियों विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थियों के लिए प्रभावशाली, क्योंकि स्टूडेंट जो हमारी कक्षा होती है, कक्षा के अंदर नियर अबाउट 30-35 विद्यार्थी होते हैं, जो सारे विद्यार्थी होते हैं उनकी बुद्धि आईक्यू एक जैसी नहीं होती, कोई विद्यार्थी फास्टली सीखने वाले होते हैं, कोई स्लो लर्नर होते हैं, कोई बिल्कुल ही मंद बुद्धि के आ जाते हैं। अगर उन सभी को सिखाना है तो ये इसके अंदर टीचिंग एड्स का सहारा लिया जाए, श्रव्य दृश्य सामग्री का सहारा लिया जाए। इससे क्या है स्टूडेंट, जो भी चाहे वो स्लो लर्नर है चाहे वो फास्टली लर्नर है, इससे हर बच्चा आसानी से उसे सीखेगा और अच्छी प्रकार से सीखेगा, और एक जो अध्यापक है वो भी अपने टीचिंग को अधिक प्रभावशाली बना सकता है। इससे छात्रों का विकास भी होता है और इससे बच्चे प्रेरित भी होते हैं, मोटिवेशन मिलती है बच्चों को इसके द्वारा। फिर पॉइंट आता है कि शब्द कोश में वृद्धि। शब्द कोश में वृद्धि, अब बात आता है स्टूडेंट, बात आती है कि शब्द कोश में वृद्धि। जब एक अध्यापक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए अलग अलग टीचिंग एड्स का प्रयोग करता है तो वो टीचिंग एड्स दिखाते समय एक से अधिक शब्दों का प्रयोग करता है, तो ये विद्यार्थी क्या है उनसे अलग अलग उन्हीं टीचिंग एड्स से अलग अलग शब्द सुनते हैं, तो इससे क्या है उनके शब्द कोश के अंदर वृद्धि होती है और समय आने पर वो उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है नई अनुभवों की खोज।
नए अनुभवों की खोज। अब बात आती है स्टूडेंट की नए अनुभवों की खोज, क्योंकि जब एक टीचर टीचिंग एड्स का सहारा लेकर बच्चों के सामने अपना शिक्षण देता है, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, तो वो क्या है, नए नए अनुभव उसके सामने आते हैं, नए नए एक्सपीरियंस बोलता है। तो जो नए एक्सपीरियंस के द्वारा बच्चों को पढ़ाएगा, बच्चे क्या है उन चीजों को अपनी लाइफ के अंदर उतारेंगे, अपने माइंड के अंदर उतारेंगे। तो जो नए अनुभव है ये भी एक शिक्षण के लिए, एक टीचर के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए अध्यापक छात्रों के अनुभव के विकास के लिए श्रव्य दृश्य साधनों का कक्षा में ज्यादा से ज्यादा क्या है प्रयोग करना चाहिए। अब हम अगला पॉइंट इसके अंदर स्टूडेंट करते हैं बात कि जो श्रव्य दृश्य सामग्री है इनका चुनाव करते समय सावधानी है। श्रव्य दृश्य सामग्री का चुनाव करते समय सावधानी। एक जो अध्यापक है, अध्यापक श्रव्य दृश्य सामग्री से संबंधित कोई भी स्टूडेंट चूज कर रहा है, कोई भी उसे सिलेक्ट कर रहा है अपनी टीचिंग से रिगार्डिंग, लगा लो अपने विषय वस्तु से रिगार्डिंग, तो इनके समय एक अध्यापक को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इसे क्या है हम पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। इसके अंदर स्टूडेंट मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बताती हूँ कि विषय वस्तु से संबंधित जो भी श्रव्य दृश्य सामग्री है वो क्या है विषय वस्तु से संबंधित होनी चाहिए, विषय वस्तु से संबंधित। स्टूडेंट अब बात आती है जो भी एक अध्यापक है, अध्यापक टीचिंग एड्स का प्रयोग कर रहा है कक्षा के अंदर, तो वो क्या है विषय वस्तु से संबंधित होनी चाहिए। इससे क्या है अपनी जो विषय वस्तु है, विषय वस्तु का ज्ञान बच्चों के सामने अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाएगा। अगर वो विषय वस्तु से संबंधित ही नहीं है, बच्चों के सामने एक वही मजाक बनने वाली बात हो जाती है, तो स्टूडेंट जो भी विषय टीचिंग एड्स है वो विषय वस्तु से संबंधित होने चाहिए। इससे जो एक अध्यापक है, अध्यापक को प्रयोग करने से पहले कक्षा के अंदर सोचना चाहिए कि जो मैं विषय टीचिंग एड यूज कर रहा हूँ क्या वो कक्षा के लिए जरूरी है या मेरे सब्जेक्ट से रिगार्डिंग है। अगर नहीं है तो उनका यूज नहीं करना चाहिए, अगर है तो उनका यूज करना चाहिए। तो कोई भी टीचिंग एड्स हैं वो विषय वस्तु से ही संबंधित होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर हमारा आता है वातावरण अनुकूल होना चाहिए, वातावरण अनुकूल होना चाहिए। स्टूडेंट जब भी एक अध्यापक कक्षा ले रहा है कोई भी श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग कर रहा है, तो उसके अंदर ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये चुनाव कर और उन साधनों का प्रयोग करने के लिए जो भी छात्रों के अनुकूल वातावरण है या नहीं है, ये चीजें भी विशेष एक टीचर को ध्यान रखनी चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है श्रव्य दृश्य साधनों का अचेत रख रखाव, श्रव्य दृश्य साधनों का अचेत रख रखाव। जो भी क्योंकि जो टीचिंग एड्स होते हैं स्टूडेंट वो बहुत महंगे होते हैं, तो एक अध्यापक को इनके रखरखाव से संबंधित भी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए या उन्हें उनकी नॉलेज के अंदर होना चाहिए कि हम ये इस स्थान पर रखे जाए ताकि यहाँ पर कोई विद्यार्थी भी न इसे छेड़े और ये क्या है सुरक्षित भी रहे। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट कि विषय वस्तु का श्रव्य दृश्य साधनों के साथ तालमेल, विषय वस्तु का श्रव्य दृश्य साधनों के साथ तालमेल।
के साथ तालमेल स्टूडेंट जो भी टीचिंग एड्स यूज किए जा रहे हैं, श्रव्य दृश्य साधन यूज किए जा रहे हैं, तो विषय वस्तु से ही रिगार्डिंग हो। अगर वो विषय वस्तु से रिगार्डिंग नहीं है तो टीचर को इनका यूज नहीं करना चाहिए। तो ये आवश्यक ध्यान रखना चाहिए, जो भी श्रव्य दृश्य साधन अपनाए जा रहे हैं टीचर के द्वारा, वो क्या है स्टूडेंट, उसी विषय से उचित मेल खाते हैं। तो अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा, उचित समय पर प्रयोग। श्रव्य दृश्य उचित समय पर प्रयोग, तो ये स्टूडेंट आपको पॉइंट ही जैसे क्लियर कर रहा है कि जब एक शिक्षक है, शिक्षक टीचिंग कर रहा है, शिक्षण कर रहा है, तो बीच में शिक्षण करते समय उन्हें ध्यान रखना चाहिए, जो मैंने टीचिंग एड बच्चों के सामने दृश्य कोई भी श्रव्य दृश्य साधन का प्रयोग करना है, तो वो बीच में कहाँ दिखाना है, किस समय पर, कैसे वो उपयुक्त रहेगा, ये चीज का भी उन्हें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। फिर बात आती है कि सरल श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग, सरल श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग स्टूडेंट, जैसे आपको पॉइंट ही क्लियर कर रहे हैं इस पॉइंट के अंदर भी कि जो भी विषय वस्तु से संबंधित सरल श्रव्य दृश्य साधन है जिसे बच्चा आसानी से समझ सके और उन साधनों के द्वारा एक अध्यापक है वो भी अपना शिक्षण प्रभावशाली बना सके, तो सरल साधनों का ही प्रयोग उसके अंदर करना चाहिए। जो ज्यादा मुश्किल है जिसे बच्चे समझे ही ना, ऐसे बच्चों का लेवल भी एक टीचर को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये चीजें सारी क्या है, इन चीजों का यूज करते समय ये चीजें एक अध्यापक के लिए इन चीजों से रिगार्डिंग सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। अगला हम पॉइंट इसके अंदर क्लियर कर रहे हैं स्टूडेंट की जो श्रव्य दृश्य साधनों का वर्गीकरण है, वर्गीकरण किस प्रकार होता है, श्रव्य दृश्य साधनों, श्रव्य दृश्य साधनों का वर्गीकरण, क्योंकि स्टूडेंट इसे तीन पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, वो थ्री पॉइंट क्या है मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगी। तो स्टूडेंट थ्री पॉइंट के अंदर जो दृश्य श्रव्य टीचिंग एड्स है वो थ्री टाइप के होते हैं, जिसे देखा जा सके, जिसे सुना जा सके और जिसे देखा और सुना जा सके। तो इसके अंदर स्टूडेंट मैं फर्स्ट बताती हूँ श्रव्य सामग्री, जिसे केवल क्या है सुना जा सके, श्रव्य सामग्री, क्योंकि जो श्रव्य सामग्री का एक अध्यापक अपने टीचिंग को अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए इसका प्रयोग करता है, ताकि इससे बच्चों को जो हर समय जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे उचित रूप से समझाए और इससे छात्रों का जो विकास है वो भी उचित रूप से हो, और इसके अंदर अलग अलग टीचिंग मेथड है, विधियों का प्रयोग भी एक अध्यापक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए करता है। अब बात आती है स्टूडेंट की जो श्रव्य सामग्री है मेन, जिसे सुना जा सके, जैसे मान लो कि जो टैप रिकॉर्डर हो गया, फिर बात आती है रेडियो, फोनोग्राम हो गया, ग्रामोफोन हो गया स्टूडेंट, लिंगवा फोन हो गया, और ध्वनि पट्टिका होगी, जो इसके अंदर आती है जिसे सुना जा सकता है। और अलग अलग ये मेथड एक टीचर प्रयोग करके इसका अच्छे से अपने टीचिंग के अंदर प्रयोग कर सकता है और अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकता है। अब बात आती है स्टूडेंट की दृश्य सामग्री, दृश्य सामग्री, क्योंकि जो दृश्य सामग्री है जिसे सिर्फ क्या है देखा जा सके, देखने इन जो टीचिंग एड्स है इनका प्रयोग करके भी एक अध्यापक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है, और अध्यापक बच्चों के छात्रों के विकास के लिए ऐसे ही टीचिंग एड्स यूज करता है। सॉरी स्टूडेंट की दृश्य सामग्री के अंदर कौन कौन से टीचिंग एड्स आते हैं स्टूडेंट, जैसे आप सभी को पता है चार्ट बोर्ड हो गया, ब्रिटन बोर्ड हो गया, पोस्टर हो गया, और चार्ट, पोस्टर, ग्लोब, फिल्में, मानचित्र, ये सारी क्या है मुख चित्र, बर्मन, ये सारी चीजें क्या है दृश्य
सामग्री के अंदर आती हैं जो एक अध्यापक जरूरत पड़ने पर इसका प्रयोग करता है। अब पॉइंट आता है स्टूडेंट नेक्स्ट अपना, वो क्या है, श्रव्य दृश्य साधन। श्रव्य दृश्य साधन या सामग्री भी आप इसे बोल सकते हो, जिसे क्या है स्टूडेंट, सुना भी जा सके और देखा भी जा सके। तो इन दोनों का प्रयोग करके भी एक अध्यापक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। वो कौन कौन से जो साधन है, जिन एड्स है, जिनका प्रयोग एक टीचर अपने शिक्षण के अंदर करता है, वो है जैसे मान के चलो आप टेलीविजन हो गया, वीडियो होगी, कोई भी कंप्यूटर बच्चों को दिखाया जाना हो गया, फिर आता है नाटकीय कर्म। तो ये स्टूडेंट क्या आता है, इसके अंदर वर्गीकरण होता है, जो श्रव्य साधन है, श्रव्य दृश्य साधन है, इनका थ्री टाइप के अंदर वर्गीकरण हुआ है, जिसको मैंने अलग अलग एक्सप्लेन किया विद उसके जो एड्स हैं उसके द्वारा कि वो कौन कौन से एड्स हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा टॉपिक हुआ क्लियर, जिसके अंदर मैंने बताया कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंदर जो श्रव्य दृश्य सामग्री है उसका पहले मैंने स्टूडेंट आपको एक अर्थ बताया, फिर बताया इसकी एक डेफिनेशन। वो डेफिनेशन किसके द्वारा थी, डेंट के अनुसार उन्होंने कहा था कि जो श्रव्य दृश्य सामग्री का अर्थ है, जो भी लिखित और मौखिक बोली गई कुछ भी एक अध्यापक अपने पाठ्यपुस्तक से रिगार्डिंग कुछ भी बोलता है, उसको द्वारा क्लास की सहायता से ये सारी सामग्री क्लियर होती है। फिर बात आई स्टूडेंट की श्रव्य दृश्य सामग्री का महत्व, जिसे क्या है हमने पॉइंट टू पॉइंट क्लियर किया, जिसे मैंने आपको बताया कि विषय वस्तु की स्पष्टता के लिए शिक्षण के सूत्रों पर आधारित, फिर आता है कि विषय वस्तु को रुचिकर बनाने में सहायक, प्रेरणा का स्रोत। फिर बात आती है स्टूडेंट हमारी कि जो व्याख्या विधि को कम करने के लिए स्टूडेंट इसका प्रयोग होता है, जो व्याख्या विधि है व्याख्या विधि को कम करना इसके अंदर आता है। फिर आता है स्थायी ज्ञान में वृद्धि, धीमी गति से जो विद्यार्थी सीखने वाले हैं उनके लिए बहुत लाभदायक है, शब्दकोश में वृद्धि, नए अनुभवों की खोज। फिर बात आती है कि जो श्रव्य दृश्य साधन है उनका चुनाव करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे विषय वस्तु से संबंधित हो गया, वातावरण अनुकूल होना चाहिए, फिर श्रव्य दृश्य जो साधन है उनका अचेत रखरखाव होना चाहिए, विषय वस्तु का श्रव्य दृश्य साधनों के साथ तालमेल होना चाहिए, मीन्स वही एड्स यूज किए जाने चाहिए जो विषय वस्तु से रिगार्डिंग हो, इधर उधर के जो एड्स है वो इसके अंदर यूज नहीं होने चाहिए, उचित समय का प्रयोग, सर्व श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग। फिर बात की है हमने कि जो श्रव्य दृश्य साधन है उनका वर्गीकरण, वो थ्री टाइप के अंदर उनका वर्गीकरण होता है, पहले श्रव्य जिसे क्या है सुना जा सके, फिर आता है दृश्य जिसे देखा जा सके, और फिर आता है श्रव्य दृश्य साधन जिसे सुना भी जा सके और देखा भी जा सके। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक हुआ क्लियर, और इसी के साथ हमारी सेकंड यूनिट यहीं पे खत्म होती है। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।